अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब जो कम्प्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि हाँ इसके अंदर ये पार्टिकल्स मिले हुए हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं सॉल्यूशन। द एग्जांपल्स आर सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन दैट इज शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन, एयर मतलब डिफरेंट डिफरेंट एयर से अगर हम जो एयर ब्रीथ करते हैं, क्या आप देखकर ये बता सकते हैं कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर है, हाइड्रोजन कहाँ पर है, नाइट्रोजन कहाँ पर है। एक हम कॉम्पोजिशन को ब्रीथ करते हैं, एयर इज अ कॉम्पोजिशन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दी गैसेस दैट वी हैव, ठीक है। तो हमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि हाँ ऑक्सीजन यहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है, हम उनके एक कॉम्पोजिशन को ब्रीथ करते हैं। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स दे आर सॉल्यूशंस जिनके पार्टिकल्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब वो सब्सटेंस जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसी चीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन के अंदर हमने जिस चीज को डाला है वो है शुगर, जिस चीज में डाला है वो है वॉटर। तो जिस चीज को हम डाल रहे हैं दैट इज नोन एज सॉल्यूट, एंड सॉल्यूट को हम कहते हैं डिस्पर्स पार्टिकल भी कहते हैं उसको, ठीक है। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर हम किसी चीज को डिसॉल्व कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने शुगर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लिया है तो हम वॉटर के अंदर शुगर को डाल रहे हैं, तो शुगर जो है वो सॉल्यूट हो गया, एंड वॉटर जिसके अंदर हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं दैट इज सॉल्वेंट। तो इट इज अ सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, इसको हम डिस्पर्जन मीडियम भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब इस केस में अगर हम देखें, वी हैव फर्स्ट बीकर जिसके अंदर प्योर वाटर हमें गिवन है, ठीक है, उसके अंदर हमने ब्लू पाउडर डाला दैट इज कॉपर सल्फेट, ठीक है। उसको डिसॉल्व करने के बाद हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिल गया। सो फर्स्ट केस में हमने देखा कि कॉपर सल्फेट को हम ऐड कर रहे हैं, सो कॉपर सल्फेट पाउडर जो है हमारे पास दैट इज दी सॉल्यूट। किसमें ऐड कर रहे हैं? हम वॉटर में ऐड कर रहे हैं, तो वॉटर इज दी सॉल्वेंट। मूविंग ऑन फर्दर, सॉल्यूशन के कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। अ सॉल्यूशन इज व्हिच इन व्हिच द सॉल्वेंट इज वॉटर, इट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर वॉटर ही सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो कुछ भी हो सकता है, अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो एयर में वॉटर तो कहीं है नहीं जिसके अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं। सो अगर हम किसी ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर वॉटर जो है वो उसके अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं, वो सॉल्यूट है, सो उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एंड अ सॉल्यूशन इन विच अ सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन ऑर्गेनिक लिक्विड इज कॉल्ड अ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब वॉटर को छोड़ के अगर हम किसी और लिक्विड में, किसी ऑर्गेनिक लिक्विड के अंदर अगर हम उस सॉल्यूशन को, उस सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अ ट्रू सॉल्यूशन इज सच इन विच द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि रेपरकशंस और बाकी सब चीजें जो अगर हम देखें वो तो हर जगह होती है, ठीक है, अगर हम किसी भी ऐसे सॉल्यूशन की बात करें जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। एग्जांपल है वही बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल। सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हम ऐड कर रहे हैं उसका साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, एंड इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद माइक्रोस्कोप। इतने छोटे होते हैं कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख सकते। जब उनको मिक्स कर देते हैं तो माइक्रोस्कोप से भी हम उन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, दे आर दैट स्मॉल। नाउ इट्स पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं तो फिल्टर पेपर से भी पास कर जाते हैं, उसके ऊपर वो रेजिड्यू की फॉर्म में रहते नहीं है, वो पास कर जाते हैं। इट्स पार्टिकल्स दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, एंड ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट स्कैटर लाइट। लाइट सिर्फ वही स्कैटर कर सकता है जिसके अंदर पार्टिकल सस्पेंडेड हो, ठीक है। अगर कोई चीज बहुत क्लियर है, क्लियर होने की वजह से वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, एंड कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज कभी भी लाइट स्कैटर नहीं करती, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशंस जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते, वो एकदम क्लियर सॉल्यूशन होता है।
सो क्लियर होने की वजह से वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है एंड इसी वजह से वो लाइट को स्कैटर नहीं करता, लाइट उसके आसपास पास हो जाती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्यूशंस। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।